एक अच्छी फ़ॉन्ट ने आपका थंबनेल को ऐसे ऐसे ऐसा बना दे सकता है। तो अब सवाल आता है, ऐसा फ़ॉन्ट तो हमें पिक्सेल लैब में नहीं मिलता, तो इसे कैसे ऐड करें, बताता हूँ। तो गाइस, ऐसा फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करना तो मैं बता दूंगा, उससे पहले मैं ऐड करना सिखाता हूँ। ऐड करने के लिए सबसे पहले आप पिक्सेल लैब को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह देखेगा, आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आप यह ऐड में ए में क्लिक करिए। ए में क्लिक करने के बाद आप थोड़ा यह लेफ्ट में लीजिए और आपको यह मिलेगा फॉन्ट। फॉन्ट में क्लिक करना है। फॉन्ट में क्लिक करने के बाद आपको यह कुछ फॉन्ट मिलेगा जो पहले से होगा। ऐड करने के लिए आप सबसे पहले माय फॉन्ट में क्लिक करिए। माय फॉन्ट में क्लिक करने के बाद आप यह मेरा पास कुछ फॉन्ट है जो मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ, आपको पास नहीं होगा। आपको ऐड करने के लिए सबसे पहले आप यह क्लिक करिए। यह क्लिक करने के बाद आपको एक फाइल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यह डाउनलोड पे क्लिक करिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यह कुछ फॉन्ट है जो भी आप फॉन्ट डाउनलोड किया हो उसको वो यह शो हो जाएगा। तो मैं फिलहाल ये डाउनलोड किया था, इसे ऐड करता हूँ। तो यह हो गया। ऐसे ही आप जितने भी फॉन्ट डाउनलोड किया हो सबको ऐसा ऐड करना है। तो मैं फिर से आता हूँ, फिर आने के बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो गाइस, फॉन्ट तो आप ऐड करना सीख गए। आप आता है डाउनलोड के बारे में। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्रोम में जाइए। क्रोम में जाने के बाद आप सर्च करिए डायरेक्ट द फॉन्ट, DAFONT। द फॉन्ट सर्च करते ही आपको ऊपर एक वेबसाइट चला आएगा। वेबसाइट में क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ एक फॉन्ट का लिस्ट ओपन हो जाएगा पूरा। आप देख सकते हो हाल ही में ये फॉन्ट नया लॉन्च हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो। आप इसे और देखने के लिए ऑल द न्यू फॉन्ट में क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ही आपको यह और भी सारे फॉन्ट आ जाएगा। ये मैं एग्जांपल के लिए मैं ये फॉन्ट को डाउनलोड कर देता हूँ। तो इसके लिए आप डाउनलोड में क्लिक करिए। डाउनलोड में क्लिक करते ही आपको यह पॉपअप ओपन हो जाएगा और आप डायरेक्ट डाउनलोड में क्लिक करिए तो यह फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। इसी और आप बहुत सारे फॉन्ट देख सकते हो। आपको जो भी फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख सकते हो प्लस चार्ट बना है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको हॉरर फॉन्ट चाहिए, हॉरर फॉन्ट के लिए आपको हॉरर में क्लिक करना है। हॉरर में क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे हॉरर फॉन्ट आ जाएगा। आप देख सकते हो ये हॉरर फॉन्ट है। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये फॉन्ट डाउनलोड करना है, फ्राइडे 13th। मैं डाउनलोड में क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड हो जाए होगा। और ये डाउनलोड होने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप सबसे पहले फाइल मैनेजर को ओपन करिए। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको ये डाउनलोड में क्लिक करना है। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आप जो भी फॉन्ट डाउनलोड किया हो वो फॉन्ट ऊपर में आ जाएगा, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट में क्लिक करिए और ये फॉन्ट आ जाएगा। और डिलीट जिप फाइल, जिप फाइल को आप डिलीट कर दे सकते हो। डिलीट कर दिया और एक है, इसको भी ऐसे सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद डिलीट जिप फाइल, तो ये हो गया। इसके बाद आप ऐड कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।